Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing famous hai baat बराबर पहाड़ उस गुफा के बाहर हैं, और आप ये देख सकते हैं कि एक ही शिलाखंड बहुत बड़ा एरिया है ये कवर किए हुए है, और इसी में ये पत्थर को काट काट कर गुफा का आकार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एक हम दूर से दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये वहाँ से एक ही बड़ा पत्थर है का टुकड़ा हम कहेंगे, वो एक इस तरह से आप देखिए कुछ इस तरह का पत्थर है, एक पत्थर जिसको जिसके अंदर काट करके अंदर गुफा का आकार दिया गया है। जब आप गुफा के अंदर आप बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, सही से आवाज़ नहीं आ पाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो देखेंगे कि अंदर में आवाज़ किस तरह से गूंजती है और क्या होता है। अंदर बहुत अंधेरा है, आप बिना लाइट के देख नहीं सकते, एक थोड़ी सी भी दूरी आपको नहीं दिखाई देगा। दो द्वार बनाए गए हैं, एक द्वार वहाँ पे है और एक द्वार आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर किस तरह का माहौल है, किस तरह की अंदर चित्रकारी या क्या किया गया है। तो एक पूरा शिलाखंड जिसके अंदर ये गुफा बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं इसकी आसपास की एरिया जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं, और ये जिसमें ये गुफा बनाया गया है वो बहुत बड़ा शिलाखंड, उसी शिलाखंड में ये गुफा। इस गुफा में जो सबसे आगे आप देखेंगे ये ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, इसको झूम करके लेंगे देवानंद जी। और इस ब्राह्मी लिपि, यह आज की लिपि नहीं है, यह मौर्य साम्राज्य के समय में ही यह उद्गृत लिपि हुई थी। इसको सबसे पहले 1838 में इस लिपि का खोज किया गया। 1838 में इस लिपि को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने इस लिपि को इंग्लिश अनुवाद किया था। इस बनावट पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे ये पूरा का पत्थरों को काट कर बनाया गया है, ये काफी दूर तक गुफाएं जाती है। इसमें ये गुफा आज तक के रहस्य का विषय बना हुआ है। ये अंदर आएंगे तो इस तरह की गुफा आपको दिखेगी, ये दुर्लभ प्राकृतिक का नमूना। ऐसी ऐसी बिहार, ऐसी बिहार की कई ऐसी धरोहर हैं जिसको आप देख कर बिहार पर गौरव कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जो बनावट है, जो कहते हैं ना, जो वास्तुकला है, वह अन्य कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। लाइट जलाइएगा मोबाइल पे। लाओ लाइट, लाइट जलाइए। ये तो सफर तो कैसे पड़ेगा? ओके फाइन, दिखाइए बहुत।
बहुत चिकना है अंदर से। और अभी मित्रों अभी हम लोग इस गुफा में हैं, ये बराबर पहाड़ी की स्टार्टिंग में ही शुरू होती है। ये सुदामा गुफा है और इस गुफा का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इस गुफा को देखने से नहीं लगता है कि ये प्राकृतिक गुफा है, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं देखिए इस गुफा का जो अति है हल्का हल्का हर समय के साथ इसमें दरारें आ गई हैं और ये गुफा का एक अति कठिन है और यहाँ अति का मूर्ति वगैरह होता है। इसको ढूंढने का श्रेय यहाँ देखिए पूरा तत्व बेटा एलेक्जेंडर का निगम को जाता है। भारत पहले जनरल जिन्होंने इस बराबर की गुफाओं को I know it's to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और लगभग सभी लोग थक चुके हैं। पुनः हम लोग जहाँ से इस सफ़र का शुरुआत किए थे उस स्थान पे आ गए हैं और इसके बाद हम लोग गया निकलेंगे।